मैं रमेश प्रसाद बड़ोनी, भौतिक विज्ञान का प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज मिश्रासपट्टी में वर्तमान में कार्यरत हूँ और मैं कक्षा 10 के विज्ञान विषय के कुछ संबोधों पर आज यहाँ पर चर्चा करूँगा। और आज हम उसमें से एक संबोध इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। जो हम शुरू कर किया था वो हमने किया था कि हम किसी भी प्रतिरोध को किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं किसी सर्किट में। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम दो तरह से सर्किट को जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। ये हमने एक बार आपको पहले सेशन में भी ये बता दिया। एक बार मैं फिर से ये जो समांतर क्रम है इसको फिर से दोहरा देता हूँ कि हम कैसे समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं और उसका डेरिवेशन कैसे हम डिराइव करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर तीन डिफरेंट रेजिस्टेंस हैं जो समांतर क्रम में जोड़े हुए हैं, जैसे R1, R2 और R3, तीन रेजिस्टेंस हैं और तीनों को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया। और इनको जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि इन पर जो है किस तरह से हम एक सोर्स लगाने के बाद करंट प्रवाहित करेंगे और क्या डेरिवेशन हमारा आएगा। तो मान लीजिए ये सोर्स ऑफ वोल्टेज है, यानी EMF सोर्स है, और यहाँ पर हमारे पास ये तीन डिफरेंट रेजिस्टेंस है और यहाँ पर आई करंट इसमें फ्लो हो रही है। तो जब यहाँ से आई करंट जो है इन तीन रेजिस्टेंस R1, R2, R3 में प्रवाहित होगी, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या आई का मान यहाँ पर इस टर्मिनल पे जाते ही जो है क्या होगा। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि जैसे ही जो है ये करंट यहाँ से फ्लो होके यहाँ जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही टर्मिनल है, एक और दो, तो इन टर्मिनल पर जो है वोल्टेज हमें क्या मिल जाएगी, कॉन्स्टेंट मिल जाएगी। तो यानी यहाँ पर अगर V वोल्टेज होगी तो यहाँ भी V रहेगी, यहाँ भी V रहेगी, लेकिन फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा, यहाँ से जाने वाली जो करंट I है वो यहाँ पर तीन भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी अलग अलग रेजिस्टेंस में यहाँ पर अलग अलग करंट यहाँ पर चली जाएगी। जैसे यहाँ I1 चली जाएगी, यहाँ I2 चली जाएगी, यहाँ I3 करंट चली जाएगी, और फिर ये करंट बाहर I ही बनकर आ जाएगी, यानी करंट यहाँ पे जंक्शन से जो यहाँ से निकलेगी वापस जंक्शन से होते हुए यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो करंट का जो मान है वो यहाँ पर समान रूप से जुड़ जाएगा, यानी एल्जेब्रिक सम हम यहाँ पे करंट का कर देंगे तो आई का जो कुल मान होगा वो होगा आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस सो ऑन, जितने भी करंट के मान होंगे वो सब यहाँ पर जुड़ जाएंगे, है ना। तो अब हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि हमने ओम के नियम में पढ़ा है, ओम के नियम में हमने क्या पढ़ा है, ओम का नियम कहता है कि जो भी यहाँ से जो भी वोल्टेज होगी वो वोल्टेज जब यहाँ पर पहुँचेगी तो उसका जो डिफरेंस होगा वो करंट के समानुपाती होगा। तो हमने ये रूल जो पढ़ा है वो ये कहता है V = I × R, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आई, तो हम आई को एक तरफ कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई बराबर हो गया हमारे पास V/R, है ना। अब आई के मान हमें यहाँ पर पता है, तो आई के जो मान है वो हमारे पास क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस सो ऑन, जो भी और भी अगर होंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जो ये मान आएंगे उनके वैल्यूज हम रख देंगे। तो I जो है हमारा यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, V/R = यहाँ पर क्या हो जाएगा, V/R1, क्योंकि I1 करंट के लिए जो है R1 रेजिस्टेंस है यहाँ पर, इसी तरह से I2 के लिए V/R2 प्लस V/R3, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, हाँ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्योंकि V कॉमन है यहाँ पर, तो ये जो है आपका V जो है कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा V/R = V हम अगर बाहर ले लें तो ये होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो ऑन। तो इस V से ये V कैंसिल आउट हो गया, तो
तो हमारे पास फाइनली जो डेरिवेशन बचा वो क्या हो गया, 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। तो ये हमारे पास जब प्रतिरोध समांतर क्रम में हम किसी सर्किट में उनको जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, तो उनके लिए जो रिलेशन होगा वो ये होगा 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। यानी सिंपल सी बात क्या हो गई कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उनका जो रोल है वो उनका मान कम होगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पर I का जो मान है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है हर करंट के लिए उसका मान अलग अलग हो रहा है ना। तो हम यहाँ पर अलग अलग आउटपुट के लिए जो है हम अलग अलग करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सामान्य तौर पे जो हमारे घरों के जो सर्किट होते हैं उनमें जो परिपथ का क्रम होता है वो यही क्रम होता है, समांतर क्रम। इसमें क्या होता है, इसका फायदा यह है कि हम यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई डिवाइस बल्ब लगाया तो यहाँ पर हमारा इस जगह पे बल्ब जलेंगे। मान लीजिए यहाँ हमने कोई पावर का कोई हीटर या कुछ और हमने कोई डिवाइस लगाई तो यहाँ से हम उसको ले लेंगे। इसी तरह से यहाँ हमने टीवी लिया या कोई और इंस्ट्रूमेंट लिया तो यहाँ पर हम उसका आउटपुट ले लेंगे। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें क्या फ़ायदा दे रहे, कोई 5 एम्पियर पे ऑपरेट हो जाएगा, मान लीजिए कोई 15 एम्पियर पे ऑपरेट हो जाएगा, है ना। इस तरह से करंट के मान बदलेंगे तो हम अलग अलग तरह के आउटपुट ले सकते हैं। तो ये जो क्रम है ये ज़्यादा पॉपुलर है, इसको पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। पार्श्व क्रम का मतलब है साइड वाइज, है ना, यानी आप जो है साइड वाइज जो है अलग अलग डिवाइस को जोड़ के करंट को डिस्ट्रीब्यूट करके आउटपुट ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये जाना यहाँ पे कि किस तरह से हम अलग अलग तरह से प्रतिरोधों को हम जोड़कर जो है उनसे आउटपुट ले सकते हैं। अब इस पर आधारित हम कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी यहाँ पर हल करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे पास जो है इनके जो मान आए हैं वो कैसे आएंगे, या सर्किट हमारे पास जो भी बनेंगे उन सर्किट को देख के उनको हम सॉल्व करेंगे और उनके लिए देखेंगे कि रेजिस्टेंस का मान कितना है या वोल्टेज का मान कितना हमने दिया, करंट फिर वहाँ से कितनी निकली। ये सब डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे कि हम एक सर्किट ले लेते हैं और उस सर्किट में हम ये देखेंगे कि कितना जो है वहाँ पर हमें कुल प्रतिरोध कितना है, वहाँ पर कुल करंट कितनी है, ये हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है, एग्जाम बोर्ड एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। एक सर्किट हमें दिया हुआ है, ये चित्र के हिसाब से यहाँ पर जो है हमारे पास ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास जो है दे रखा है 8 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 12 ओम का एक रेजिस्टेंस है, और इनको हमने किसी सोर्स से जोड़ रखा है जिसकी वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट है, और यहाँ पर जो है सर्किट में ये की लगी हुई है और हमें कह रखा है कि एक तो इस सर्किट में जो कुल प्रतिरोध है वो ज्ञात करना है, ठीक है। कुल प्रतिरोध का मतलब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है कि उसका मान कितना होगा। दूसरा हमसे ये पूछा हुआ है यहाँ पे कि जब ये श्रेणी क्रम में ये संयोजन हमें दे रखा है तो यहाँ पर जो है सर्किट में करंट कितनी होगी, यानी आई का मान हमें ज्ञात करना है, आई भी यहाँ पर कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। इसी तरह से हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि इन इन टर्मिनल पे या इन जगहों पर क्या अलग अलग वोल्टेज के मान होंगे या एक ही होगा। तो अब हम इसको सीधा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन में हमें क्या क्या दे रखा है, R1 हमें दे रखा है 5 ओम, R2 हमें दे रखा है 8 ओम और R3 हमें दे रखा है 12 ओम और वोल्टेज हमें दे रखी है 6 वोल्ट। I का मान हमें ज्ञात करना है और R का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम सीधा सीधा यहाँ पर क्या करेंगे, हम फॉर्मूला को यूज करेंगे क्योंकि हमको पता है श्रेणी क्रम के लिए R का जो मान होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, हाँ? तो यहाँ पर जो कुल R होगा वो कितना होगा, 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कुल कितना आ जाएगा, 25 ओम। ये हो गया आपका कुल प्रतिरोध।
इसी तरह से अब हमसे पूछा है कि बैटरी को जो है अगर हमने इस तरह से जोड़ रखा है सर्किट में, तो हमको धारा का मान निकालना है कि कितना होगा। तो वी तो हमारे पास कुल कितना है, 6 वोल्ट है। तो ये यहाँ पर दें कि यहाँ पर जो वी का मान है वो वी का मान क्या होगा, इन टर्मिनल पे जो वी का मान है वो अलग अलग होगा, यहाँ V1, यहाँ V2, यहाँ V3। ठीक है, अब जिस टर्मिनल पे हमें पूछा जाए उस टर्मिनल पे हम वी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम I निकालेंगे, तो I बराबर यहाँ पर क्या होगा, ये होगा हमारे पास V बटे R। तो V हमारे पास कितना है, 6, और R हमारा कितना आया, 25, है ना। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 0.24 एम्पियर। ठीक हो गया। अब इस तरह से मान लीजिए हमें कह दें कि यहां पर, यानी ये जो R3 है, R3 पर हमें पूछा जाए कि V का मान कितना होगा, V बराबर कितना होगा, यानी V3 हमें निकालना है। तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, हमें चूंकि पता है V इज इक्वल टू क्या है, IR। अब यहां पर R कितना है, R तो यहां पर कितना है, 12 है। ठीक है, तो यहां पर ये यह कितना हो जाएगा, करंट तो हमारी कैलकुलेट हुई थी इतनी, तो ये हो गया 0.24, और R हमारा कितना है यहाँ पे, 12। ठीक हो गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप कर लीजिए, 1248, 12 दूनी 24, है ना, और 4 28, तो ये 2.88 V हो गया। यानी यहाँ पर जो है हमारे पास जो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी वो आएगी 2.88 वोल्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर I का मान भी निकाल दिया, R का मान भी निकाल दिया, और V3 का मान भी निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह की जो भी प्रॉब्लम होंगी हम उनको ऐसे सॉल्व कर देंगे। अब हम देखते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो है एक डायग्राम ऐसे दे रखा है, यहाँ पर एक रजिस्टेंस है और यहाँ पर जो है दो अलग अलग रजिस्टेंस हमें दे रखे हैं इस तरह से, और हमसे ये कहा गया है कि हमें जो है यहाँ पर कुल तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर ज्ञात करने के लिए हमको ये देखना होगा कि हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये 2 ओम दे रखा है, ये हमारे पास 3 ओम दे रखा है, और ये 6 ओम दे रखा है। और इस सर्किट के माध्यम से हमें पूछा गया है कि R कितना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है ये दो जो है कैसे हैं, ये दो, इसको मान लीजिए R1, इसको R2 और इसको R3। तो हम यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में हम देखेंगे कि R2 और R3 तो पैरेलल हैं। ठीक है, और जब इनका सम आ जाएगा इनके साथ, तब R1 क्या है, सीरीज में है, तो ये आपका पैरेलल यानी समांतर क्रम में है, और ये R1 में, और फिर जब इनका कम्बिनेशन होगा और तब हम निकालेंगे इस R का मान। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो निकालते हैं ये समांतर क्रम में निकालते हैं कि ये दोनों समांतर क्रम में, तो मान लीजिए इनका तुल्य प्रतिरोध R' हो गया 1/R', तो ये हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज रख दीजिए, ये हो गया 1/3 प्लस 1/6। ठीक हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी इसका हम एलसीएम ले लेंगे 6, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 1, ये हो गया 3/6, और ये हो गया 1/2। तो 1/R' का मान जो है वो कितना हो गया, 1/2, यानी R' का मान कितना हो गया, 2 ओम। इसको उल्टा कर देंगे तो ये 2 ओम हो गया। अब ये जो R' है, यानी इसका जो मान आया इन दोनों का, वो हो गया R'। अब R' और R1 फिर से क्या है, श्रेणी क्रम में है, तो अब हम बोलेंगे चूंकि जो है R' और R1 किस में है, श्रेणी क्रम में है, तो जब ये श्रेणी क्रम में है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R" निकाल लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, R' प्लस R1। इनका जो सॉल्व करके मान आएगा वो कितना आ जाएगा, R" हमने जो निकाला वो कैसे निकाला, R' प्लस R1। तो R1 का वैल्यू भी हमें पता है और R' का भी पता है, तो ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम है। ठीक हो गया, तो ये कितना हो गया, 4 ओम। तो इस तरह से हमारे पास ये
चार ओम आ गया। ठीक है, अब हमारे को यहां तक पता चल गया कि तुल्य प्रतिरोध हमारा क्या है। अब मान लीजिए हमसे वो ये पूछ लें कि इनमें से मान लीजिए कोई भी एक प्रतिरोध हमें इस तरह से यहाँ पर जोड़ देना है कि हमारे पास ये जो मान है वो एक ओम आ जाए, यानी हमें से मान लीजिए वो कहे कि हमें आउटपुट में एक ओम चाहिए, तो एक ओम प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे। यानी इसको सीधा सीधा हम ऐसा कह सकते हैं, ये पूछना चाह रहा है कि एक ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अगर हम इस सर्किट को पार्श्वक्रम में जोड़ दें तो क्या ऐसा होगा। तो हम इसको पार्श्वक्रम में जोड़ने के लिए क्या कर देंगे, हम ये देख लेते हैं, इन सबको हम पार्श्वक्रम में जोड़ के देख लेते हैं। तो कैसे करेंगे, यानी ये जो दो ओम है इसको, ये जो आपका दूसरा जो तीन ओम है इसको, और ये जो छः ओम है इसको, सबको हम क्या कर लेते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं और जोड़ के हम देख लेते हैं कि इनका आउटपुट क्या होगा, यानी इनका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। तो आपका R1, R2 और R3 तीनों मान अब श्रेणी क्रम में हो गए, तो 1/R इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो इनको जोड़ लीजिए, ये क्या होगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। ठीक हो गया, तो ये कितना हो गया 1/2 प्लस 1/2, तो पहले भी हमने यहाँ पर निकाला था। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, यानी 2/2, तो ये कितना हो गया 1/1, तो 1/R इज इक्वल टू 1/1, तो R इज इक्वल टू 1 ओम। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर मिल गई कि अगर हमें एक ओम का प्रतिरोध प्राप्त करना है तो हम इन तीनों प्रतिरोधों को किस में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारे को जो भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे तो उनको सॉल्व करना है। तो हम बात करेंगे किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा की, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तो जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सर्किट में कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है हम उसकी गणना करेंगे। ठीक है, यानी इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर कोई सर्किट है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जैसे रेजिस्टेंस भी है, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ भी है यानी वोल्टेज सोर्स भी है, उसमें करंट पास हो रही है, हम उससे कुछ आउटपुट ले रहे हैं, यानी हम कुछ वहाँ पर फैन चला रहे हैं या गीजर चला रहे हैं, कुछ भी हम लोड हम वहाँ पर ले रहे हैं, तो उस लोड से हमारा कितना यहाँ पर खर्चा हो रहा है, कितना व्यय ऊर्जा हो रही है, हम उसका मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सामान्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सर्किट में जब हम करंट पास करते हैं तो लोड यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है कुछ ऊर्जा खर्च होती है, और उस ऊर्जा का जो मान है वो हम ज्ञात करेंगे। तो चूंकि हमने पिछले सेशन में बात की थी कि कोई भी सर्किट में जब कोई भी सेल है या कोई भी स्रोत उसमें लगा हुआ है तो वो वहाँ से जब हम एनर्जी ड्रॉ करते हैं या वो जब उसमें जो संचित ऊर्जा है उसका जो मान होता है वो W इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V, क्योंकि ये हमने पढ़ा है पीछे सेशन में जब हम V की बात कर रहे थे, V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है। तो ये जो W है ये कार्य है, यानी यहाँ से जो भी ऊर्जा जो भी यहाँ से आवेश कार्य करेंगे उसका मान ये होगा। तो इसी को हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब जो है कोई भी सर्किट में कोई सेल से हम वोल्टेज को ड्रॉ करेंगे तो आवेशों द्वारा किया गया कार्य ही वहाँ पर क्या होगा, ऊर्जा का मान होगा। तो व्यय ऊर्जा का मतलब यहाँ पर किसी भी चालक में प्रभावित आवेशों के द्वारा किया गया कार्य ही होगा। ठीक है, तो हम इसको सीधा सीधा ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ा और खोल दीजिए, क्यू का मान करंट के टर्म्स में क्या होता है, I × T, ये भी हमने पढ़ा है, क्योंकि जो क्यू है वो कैसे डिफाइन होता है, Q/T इज इक्वल टू I, तो उस मान को हमने यहाँ यूज़ कर लिया, तो ये क्यू हो गया IT। और ये जो V है तो V भी I के टर्म्स में क्या होता है, I × R, तो ये हो गया यहाँ पे I² R T। तो ये जो किसी भी सर्किट में व्यय ऊर्जा है, ये व्यय ऊर्जा का मतलब है कि वहाँ पर कितना कार्य हुआ है या लोड लेते समय
कितनी ऊर्जा व्यय हुई है उसका मान ये हो गया, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा इसको और खोल लेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी के पदों में, क्योंकि ये आपका क्या होता है, अगर हम इसको लिख दें तो ये हो गया आपका वी बटे आर, आई का मान ओम के नियम से उसका स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो ये हो गया वी स्क्वायर, ठीक है, और बटे आर, ये हो गया डब्ल्यू। तो किसी भी सर्किट में जो व्यय ऊर्जा होती है उसका मान लगभग क्या आता है, ये आता है, ठीक। इतना आप ध्यान रखेंगे कि, और इसका जो मात्रक है वो वही है जो हम कार्य का मात्रक जानते हैं, या एनर्जी का जो मात्रक होता है वही इसका मात्रक भी होता है, यानी हम यहाँ पर जो भी एनर्जी है उसको जूल में मेजर करेंगे, ठीक। इसी तरह से जब ये सर्किट में इतनी एनर्जी है, इतना ये सर्किट कार्य कर रहा है, तो इसकी जो सामर्थ्य है या पावर है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी वहाँ पर कितनी पावर उस सर्किट में खर्च हो रही है, कितनी पावर वहाँ पर है, कितनी सामर्थ्य वहाँ पर सर्किट की है, तो उसको भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस इलेक्ट्रिकल पावर का जो सिंपल फॉर्मूला है वो क्या होता है, यानी व्यय ऊर्जा या कार्य बटे समय, सिंपल। तो इसका अगर हम फॉर्मूला को यूज करें तो सीधा सीधा ये हो गया W बाई टी, और W का मान अभी हमने यहाँ पर ज्ञात किया है, तो इससे जो हमने मान निकाला वो क्या हो गया, उसी को हम यूज कर लीजिए। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे V स्क्वायर ओवर R इंटू सॉरी डिवाइडेड बाई आपका T। और इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, तो टी से टी कट गया तो ये आई स्क्वायर आर हो गया, और हम इसको भी ये भी लिख सकते हैं वी इंटू आई, यानी पावर इज इक्वल टू क्या हो गया वी इंटू आई। ये सिंपल किसी भी सर्किट की जो इलेक्ट्रिकल पावर है या विद्युत सामर्थ्य है वो ये हो गई, टी इज इक्वल टू वी इंटू आई और आई स्क्वायर इंटू आर, तो इतनी तरह से। और इसको मेजर करेंगे वाट से, जैसे कि हम पहले से भी जानते हैं कि पावर मेजर होती है वाट में, अगर बड़ी पावर है तो उसको किलो वाट में या मेगा वाट में हम मेजर करते हैं। तो पावर अगर हम आगे मेजर करेंगे तो हम इसको किलो वाट में भी बदल सकते हैं, जैसे हमको किसी भी व्यवहारिक व्यय ऊर्जा को ज्ञात करना है या यूनिट ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हम इसे कह सकते हैं पावर इज इक्वल टू 1 kWh। तो 1 kilo लग गया इसमें, बाकी तो सब वही है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, ये पावर नहीं सॉरी व्यय ऊर्जा है, एनर्जी जो हमने निकाली है वो 1 kWh, इसी फॉर्मूले को यूज़ कर लिया हमने यहाँ पे, पी इंटू टी हो गया ये, यानी पी इंटू टी, तो ये पावर होगी और ये टाइम हो गया, ठीक। 1 kilo लग गया तो यहाँ पर हमने आर लगा दिया तो इसकी यूनिट चेंज हो जाएगी, तो 1 kWh ये सीधा सीधा क्या हो गया, यानी 1 × 1000 इंटू हमने आर को सेकंड में अगर बदल लेंगे तो ये इतना होगा। तो ये सिंपल मोटा मोटा इसका मान क्या होगा, 3.6 × 10⁶ जूल, ये हमारा इतना 1 kWh हो गया, या व्यय ऊर्जा जो है हमारी प्रति घंटे में इतनी हो गई। इसको हम आगे भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसके मान निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें यूनिट निकालनी है कि हमने कितनी ऊर्जा खर्च की, हमारे घर में जो लोड लगा है उसको ज्ञात करना है, तो उसका भी सिंपल फॉर्मूला है, यानी अगर हमें यूनिट की संख्या निकालनी है कि हमारे घर में कितनी बिजली खर्च हो रही है, संख्या अगर उसकी ज्ञात करनी है, तो सीधा फॉर्मूला उसका पावर, यानी आपका जो पावर है वो भी किस में है, किलोवाट आर में है, डिवाइडेड बाई 1000 और इंटू, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हम बात कर रहे हैं आर पर डे, यानी घंटे प्रतिदिन गुणा दिनों की संख्या, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। ये फॉर्मूला अगर हम यूज़ करेंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगी, यूनिट की संख्या मिल जाएगी, कि यानी हम कितना यूनिट खर्च कर रहे हैं, यानी यूनिट की संख्या का सिंपल मतलब है कि किलोवाट आर पावर को हम निकालेंगे और उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगी, नंबर ऑफ यूनिट निकल जाएगी। तो आगे हम इसी पर आधारित जो है न्यूमेरिकल भी करेंगे, और आज जो हमने बात की है वो ये की है कि किस तरह से हम जो है प्रतिरोधों पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं, हम किसी सर्किट में कितनी व्यय ऊर्जा है उसको ज्ञात कर सकते हैं,
उस सर्किट की पावर कितनी है, यानी जो लोड हमने यहाँ पे लगाया है वो लोड में कितनी पावर हम कंज्यूम कर रहे हैं, कितना पावर का हमने सर्किट यूज़ किया है, डिवाइस यूज़ किया है, इन सब को हम क्या कर सकते हैं। तो आगे हम अगले सेशन में इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल लेंगे।